उनको ऐसे बोनट दबाते ना ऐसे यूं, मैं ऐसे खड़ा था गाड़ी के ऊपर ऐसे, इतने में देखा डेंट आ गया। जैसे बताया कि 100-150 किलोमीटर की डेली रनिंग होती है आपकी और मार्च में आपने कार खरीदी, तो अब तक अच्छी खासी आपने गाड़ी चला दी होगी। 15,000 चल चुके हैं। माइल्ड हाइब्रिड आती है उससे और इसमें बहुत फर्क है। अब इसमें मोड दे रखे हैं जैसे इको मोड, नॉर्मल मोड, पावर मोड, मैंने तीनों में टैंक टू टैंक फिल करा के चेक कर लिया। ऐसा लगता तो है कि हाँ लोहा कम है। 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप गया था। हाँ जी उज्जैन। हाँ ये बहुत हल्का है, ये मेरे को बहुत लिटरली बहुत हल्का लगता है। मैंने सोचा है इसके ऊपर फिल्म चढ़ाने का क्योंकि इसमें धूप आती है। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर के आया हूँ जो कि रहने वाला है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा का। और अपने चैनल पे आपने देखा होगा अब तक कई सारे रिव्यूज देखे होंगे ग्रैंड विटारा के, लेकिन वो माइल्ड हाइब्रिड वाली कार के थे। आज का जो रिव्यू रहने वाला है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार का है। कंप्लीट बात करने वाले हैं इसके ओनरशिप रिव्यू की और आपको बताएंगे कि ओनर का कैसा कुछ एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव बातें भी करेंगे, नेगेटिव बातें भी करेंगे और सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो मिलवाते हैं सबसे पहले इस कार के ओनर से। तो तुषार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, कैसे हैं आप? बस ठीक हूं, आप बताओ। तो सबसे पहले बताइए कि ये ग्रैंड विटारा का कौन सा वाला वेरियंट है? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये, अल्फा मतलब टॉप वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। कब कार परचेस करी आपने? ये मैंने मार्च में ली थी। मार्च में। और ये HR 26 नंबर आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी? ये 22,27,000 रुपए की उस टाइम पे चल उस टाइम पे थी, अब तो रेट बढ़ गए इसके। ठीक है जी, तो कुछ बातें इसी बारे में करेंगे कि आपने 22 लाख रुपए खर्चे हैं मारुति कार के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि 22 लाख रुपए में तो और भी बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं। और कौन सी आप बताओ पहले? अगर आप बड़ी गाड़ियां, जैसे कि मेरे पास भी कमेंट आते रहते हैं लोग के, तो लोग पूछते हैं यार 22 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए ऊपर तो आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगी। स्कॉर्पियो N हो गई, XUV 700 मिल जाएगी, XUV 700, फिर उनका टॉप मॉडल नहीं आ रहा। ठीक, अगर आप देखो तो, और वो मैनुअल आ रहा है स्कॉर्पियन का अगर आप जाते हो। अच्छा ये ऑटोमेटिक वाली कार है? ये ऑटोमेटिक आती है, इसमें मैनुअल आता ही नहीं हाइब्रिड में। ठीक है, जो अपनी इसमें माइल्ड हाइब्रिड आती है उसमें देते हैं मैनुअल, ऑटोमेटिक सिर्फ उसमें है हाइब्रिड में। जैसे एक नीचे है वो 1.5 लाख सस्ता है मेरे ख्याल से, इसमें मैंने पता करा था। हाँ। अल्फा है वो कौन सा है मेरे को नहीं पता। जेटा होगा। हाँ जेटा होगा, वो उसमें कम है, 1.5 लाख प्राइस में अंतर है और काफ़ी फीचर्स में अंतर है। और ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसके अलावा भी कोई गाड़ी आपने देखी थी? इसके अलावा मैंने हाईराइडर देखी थी। हाईराइडर मतलब दोनों ही एक तरीके की सेम ही हो जाती है। मैंने क्रेटा अगर आप लेके जाओ पेट्रोल में उसकी एवरेज 10 की है। ठीक है, कुशाक है हमारे रिश्तेदारी में उनकी पास है, उसकी 8 की एवरेज है मैनुअल में, जो 1.5 का जो आ रहा है ऑटोमेटिक में तो और ख़त्म हो जाती है। ऑटोमेटिक में और ख़त्म हो जाती है। मेरे पास एक MG हेक्टर भी है डीजल में, उसकी 10 की एवरेज है मतलब, और रनिंग भी ज़्यादा है मेरी पहली, तो इसलिए मेरे को ऐसी चीज थी जो एवरेज दे मेरे को अच्छे से और ऊंची भी हो। मेरे को नीची गाड़ी नहीं चाहिए थी, सेडान नहीं चाहिए थी बिल्कुल। तो बेसिक सा आपका जो गाड़ी परचेस करने का जो बेसिक रीजन था वो माइलेज था। माइलेज था। कितनी रनिंग हो जाती है डेली की आपकी इस तरीके से? 100-150 तो है। 100-150 हो जाती है। तो ये माइलेज गाड़ी जो है उतना ऑफर कर देती है आपको? ये लोकल में मेरे को दे रही है 20-22 की, 22 की एवरेज दे रही है लोकल में। लोकल में आप कहाँ चलाते हो एग्जाम्पल के लिए? लोकल में अपना बेवाड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ अपने शहर में, उधर ही घूमती है, मतलब हाईवे भी नहीं चढ़ती हो। ठीक है, मतलब सिटी एरिया रहता है? सिटी एरिया में 100 किलोमीटर चलती है कम से कम। तो फिर तो ठीक ठाक एवरेज आपको मिल रही है। हाँ। और हाईवे पे कभी जाने का मौका मिला? हाँ हाईवे पे मैं अभी जैसे मैं टूर मारे हैं मैंने इसमें उज्जैन के। हाँ। ठीक है, या अपना दिल्ली NH8 है उस पे इधर ही ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपने क्या एवरेज निकाली इस कार से? इसकी आप मानोगे नहीं, मैंने 28, 29, 30 भी एवरेज देखी। अभी भी मैं आया हूँ तो इसकी मैंने 28 की अभी भी मीटर पे शो हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि एवरेज या माइलेज जो है वो आपका बेसिक कंसर्न था, मेरा था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप तो CNG पर भी शिफ्ट हो सकते थे, जेटा मॉडल में भी CNG आती है। CNG में फिर लंबी लंबी लाइनें हैं ये है, और इसमें से पेट्रोल डलवाना है मेरे को। हाँ, ऐसे लेने को मैं EV प्रॉपर भी ले सकता था अगर मेरे को लोकल में चलानी, इतनी रेंज तो है ही कि मैं 100 किलोमीटर की रनिंग मेरी वो पूरी कर दे, पर लेकिन उसको लेने का मतलब ये था कि फिर उसमें अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ ट्रिप पे तो फिर वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन देखो, और CNG में अगर आप बाहर जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ अपने जो NCR साइड है यहाँ पे आप कभी भी उठा के देख लो, यहाँ पे भी थोड़ी भीड़ होती है पर कम होती है। मतलब आपको उल्टे से लफड़े नहीं चाहिए थे, लफड़े नहीं चाहिए थे आपको, सीधा तेल भराओ और निकल जाओ, ये वाला सीन चाहिए। अगर आप, मैं ये कहता हूँ CNG के बराबर की माइलेज ये भी दे रही है मेरे को। तो अब ये आपने मुझे जैसे बताया कि 100-150 किलोमीटर की डेली रनिंग होती है आपकी और मार्च में आपने कार खरीदी, तो अब तक अच्छी खासी आपने गाड़ी चला दी होगी। 15,000 चल गई। 15,000 चल चुकी है। दूसरी गाड़ी वो भी चलती है, तो मतलब दोनों का मिला के तो मैंने रनिंग है हमारी काफी। तो यार एक क्वेश्चन जो है मैं ऐसे ही पूछना चाहूंगा आपको, शायद से लगे अजीब सा, कि लोग कहते हैं कि 15 लाख से ऊपर की गाड़ी मारुति लेना एक वैल्यू नहीं लगता है, तो उस बारे में आपको बताइए क्या कहते हैं। वैल्यू फॉर मनी लगती है। अगर और कोई गाड़ी अगर मैं लेने जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ क्रेटा ले लेता हूँ। हाँ जी, बात मैंने मान ली। अगर मैं क्रेटा डीजल में जाता हूँ, 10 साल की उसकी वो हो गई, एक तो
लाइफ है उसकी 10 साल की। हाँ ठीक है, पेट्रोल में 15 साल इसकी लाइफ, 5 साल तो ये हो गया आपके बढ़ गए। ठीक है ठीक है, मेंटेनेंस कम है ठीक है, उसका ज़्यादा है ठीक है। सर्विस मतलब हमारे किसी नॉन नहीं ले रखे, उनकी भी सर्विस वो कराती हैं जैसे, तो पता पड़ती है हाँ भाई महंगी है सर्विस उसकी, 10-12 हज़ार कॉस्टिंग आ जाती है, कहने की बात होती नहीं आती डीजल की में। और पेट्रोल की मैंने खुद चला के देखी, मेरे को पेट्रोल में इतना मज़ा नहीं आया क्रेटा में जितना डीजल में, डीजल में ज़्यादा मज़ा आया उसका वो है। और मेरे को लाइफ भी देखनी थी कि अगर मैं कल ने इसको 7-8 साल भी चलाता हूँ तो ये आधी हुई, फिर भी अगर मेरी ये 12 लाख की भी जाती है तो मेरे को इसमें कोई घाटा नहीं लगता। तो मतलब आपने ओवरऑल सोचा समझा, उसके बाद आपको ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगा। हाँ। इस तरीके से आपने इसको बाय किया है। हाँ। इंजन कैसा है इस गाड़ी का ये बताइए, 1.5 लीटर का इंजन आपको मिल जाता है तो कैसा रिस्पॉन्स करता है इसका? जो इसमें माइल्ड हाइब्रिड आती है उससे और इसमें बहुत फर्क है चलाने के अंदर। हाँ, मेरे एक दोस्त है उन्होंने माइल्ड हाइब्रिड ली है, अपना भाई बिल्कुल ही सेम कलर, यही दिखने में लुक्स यही है पूरी प्रॉपर, वो है वो उनकी उसमें टॉप है, ये हाइब्रिड में टॉप है, उसका गियर शिफ्ट पूरा पता चलता है इस गाड़ी में। आप बैठ के गियर शिफ्ट नहीं बता सकते कि गियर शिफ्ट कब हो गया। और इंजन में कहीं लगता है कि यार ऊपर नीचे मतलब आरपीएम बढ़ने घटने पे कहीं लगता है कमी कुछ महसूस होती है इसके नहीं, अंदर? नहीं कमी नहीं लगती। ओवरटेक करने में कहीं प्रॉब्लम आती है? कभी नहीं है। मैंने आप मानोगे नहीं इसको मैंने बहुत बुरी तरीके से भी चलाया गाड़ी को, तो क्यों झूठ बोलूं, 150-160 जब भी इसने मेरे को 13-14 की माइलेज दी तब भी मतलब ये अच्छा परफॉर्मेंस कर ली है एज कम्पेयर टू, अगर क्योंकि आपका अगर मेन मोटिव माइलेज रहा है तो वो इसका क्राइटेरिया फुलफिल ये कर रही है। अब इसमें मोड दे रखे हैं जैसे इको मोड, नॉर्मल मोड, पावर मोड, मैंने तीनों में टैंक टू टैंक फिल करा के चेक कर लिया। हाँ जी, कि भाई किस में ज़्यादा चल रही है, किस में सबसे ज़्यादा इको में चलती है, सबसे ज़्यादा इको मोड में माइलेज भी देती होगी, माइलेज देती है। हाँ, और सब में दो दो तीन तीन माइलेज का फ़र्क आ रहा है अगर हिसाब लगाओ तो। ठीक है। हाँ। तो अब ये बताइए सर कि आपने जैसे बताया कि 150 तक आप इसको खींच कर ले जा चुके हो। हाँ, हाँ, हाँ। उस वाली कंडीशन के अंदर गाड़ी की हालत क्या थी? ऐसा तो नहीं था गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील हो रही है या फिर नहीं कुछ? मेरे को नहीं लगा जैसे मैं दूसरी गाड़ी पर, लेकिन हाँ एक मारुति का ऐसा लगता तो है कि हाँ लोहा कम है। हाँ। वो मैं नहीं बोलता कि नहीं है कि हाँ भाई लोहा बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी है ये वो, पर ये ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। अगर ब्रेजा भी 4 स्टार ले कह रही है, मैं कह रहा हूँ 3 भी ला रही है। आप किया की उठा के देख लो सेल्टोस, उसकी भी 3 स्टार है। ठीक है, क्रेटा उठा लो, उसकी भी 3 स्टार है। कुछ आग के साइड में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी तो एवरेज ही नहीं है, प्लस में उसका अगर आप रीसेल वैल्यू देख लो मार्केट में तो बहुत कम है। ठीक है, और फिर अगर उसका कोई पार्ट खराब हो जाए तो वैसे जल्दी अवेलेबिलिटी जो है उसकी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, और मैं बताता हूँ ये एक बार पानी में भी जा चुकी है मेरी वाली, पानी में चली गई। हाँ, मतलब पानी इसका यहाँ तक आ गया था प्रॉपर। तो उस टाइम क्या कंडीशन रही? मारुति में एजेंसी भेजी, मेरे को लगा इंजन में दिक्कत आई होगी, सीज हुआ होगा, क्या रहा होगा, बैटरी पैक वैसे था तो नई गाड़ी है उस टाइम पे आई हुई थी। हाँ जी, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हुए थे गाड़ी को मेरे को परचेज करे उस टाइम की बात है, तो इसमें सिर्फ एक एयर फिल्टर लगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पानी क्या खड़े खड़े पानी आ गया था ऐसे कुछ? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पानी था, आप ले गए थे कहीं? ले गए थे तो उसमें क्या हुआ, मैं नहीं चला रहा था, फादर चला रहे थे मेरे, वहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी तो वो ले गए तो गाड़ी बंद हो गई। ऑटोमेटिक के चक्कर में फ़र्क पड़ता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल में फ़र्क होता है काफ़ी अगर आप पानी में लेके जाते हो तो। ठीक है ठीक है, सिर्फ इसका एयर फिल्टर लगा 250 रुपये का और कोई फ़र्क नहीं है, मतलब डूब जाने के बाद आधी मैक्सिमम डूब। हाँ, इतनी तो थी, पूरा यहाँ तक आया था पानी। ठीक है, मतलब ओवरऑल अभी तक आप सेटिस्फाइड हो इस प्रोडक्ट के साथ में? और थोड़ा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से बात करते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले अपनी हाइट बताइए मुझे, क्या हाइट है आपकी? 5'11" के आसपास है, 5'11" के आसपास। तो कैसा कुछ कम्फर्ट वगैरह फील करते हो सर इसमें बताइए? कम्फर्ट इसमें पूरा है, जैसे मैं 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप गया था। हाँ जी, उज्जैन, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। तो ये वन शॉट आप गए थे? हाँ, इसमें मतलब ब्रेक तो लिए जैसे अपना खाने के लिए, डिनर वगैरह, लंच के लिए, उसके लिए। अब जैसे इसका इंजन ये चालू हुआ है। हाँ, अब आवाज़ कर रही है, वैसे अगर ये चालू होता तो पता नहीं चलता हमको कि इंजन चालू हुआ है या क्या है, बहुत साइलेंटली चलती है। यहाँ पे ईवी भी लिखा आता है, यहाँ रेडी लिखा आता है जब ये चालू होती है, मतलब सारे मोड्स वो आपको डिस्प्ले पे जो है बता देता है। हाँ, क्या बता देते हैं क्या है क्या नहीं है। कूलिंग वगैरह की बात करें, अगर कूलिंग कैसी रही है, गर्मियाँ आपने पूरी झेली है इसे मार्च में परचेज करी है? हाँ, कूलिंग इसकी ठीक है। एसी में कहते हैं ना कि एसी थोड़ा हाइब्रिड का हल्का है, जब वो बैटरी पे आ जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कभी फील नहीं हुआ। हाँ, वैसे पर्दे का लगता है कि धूप आती है तो, फिर इसमें ब्लैक इसका इंटीरियर दे रखा है तो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब होती है तो फर्क पड़ता है उस चीज़ का, है कि हाँ इसके ये जो कर्टन है उसकी वजह से ये फर्क पड़ता है। कर्टन के बारे में तो सुना है कि ये बहुत हल्का बताते हैं। हाँ, ये बहुत हल्का है, ये मेरे को बहुत
लिटरली बहुत हल्का लगता है। मैंने सोचा इसके ऊपर फिल्म चढ़ाने का, क्योंकि इसमें धूप आती है, आती है धूप, आती है प्रॉपर धूप आती है। यूँ कहते हैं ना धूप नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव वाली हो जाती है, हाँ ये नेगेटिव वाली चीज़ है इस गाड़ी में। एक चीज़ मेरे को बस ये लगती है कि हाँ इसका पर्दा ऐसा दे रखा है थोड़ा हल्का। दूसरी इसमें ये है कि मतलब मैंने पर्दे और भी देखे, जैसे क्रेटा के हो गए, सेल्टोस के हो गए, एम जी हेक्टर के भी हो गए, ठीक है उनके पर्दे बहुत हैवी हैं इससे, इनके मुकाबले वो ज़्यादा प्लस पॉइंट में आ जाते हैं। हाँ, वो आपके साथ जब आप उज्जैन गए तो आपके साथ भी कोई और भी गए थे या आप सिंगल ड्राइव गए थे? ना मेरे दो दोस्त और गए, दोस्त वगैरह भी गए थे। हाँ। तो पीछे बैठने वाले की कंडीशन पूछना चाहूँगा, कैसा रहा उनका रिस्पांस? पीछे आराम से गए सोते हुए, भाई भी हमारे साथ हैं, भाई आप बैग वाला पीछे बैठिए। तो भाई अपनी हाइट का रहने वाली है 5'10", तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि पीछे बैठने के बाद आपने क्या कुछ फील किया यहाँ पे? यार पीछे की बात करें तो बैठने में भी बहुत अच्छी गाड़ी है, और मैं तो 5 घंटे इस गाड़ी में सो के भी गया हूँ भाई। तीन लोग थे तो एक बंदा पीछे आराम से सोता हुआ गया, 5 घंटे लगातार सोया हूँ मैं गाड़ी में। ठीक है, तो अपना जैसे भाई ने बताया कि एक 800 किलोमीटर की लंबी ट्रिप थी। हाँ। तो वहाँ कुछ थकान वकान फील हुई पीछे वाले में? नहीं कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं, बढ़िया अपना सोते गया था, बैठा भी था आराम से। और थाई सपोर्ट वगैरह में कहीं कुछ कमी लगी हो आपको? पूरा सपोर्ट है अच्छी तरह। ठीक है, और ये बताइए कि पीछे कूलिंग वगैरह आपको मिली या नहीं मिली? पीछे यहाँ पे एसी है, पूरी कूलिंग अच्छी तरह आती है यहाँ पे, कोई कैसी नहीं कैसी, अपने साइड इधर करनी इधर कर लो, इधर करनी इधर कर लो, बढ़िया कूलिंग आती है। तो मतलब पीछे वाला बंदा भी मैनेजेबल अच्छे तरीके से बैठ जाता है। ठीक है जी, अब भाई साउंड सिस्टम की बात कर लेते हैं, कौन सा कंपनी क्या साउंड सिस्टम ऑफर करती है इसमें अर्कमीज़ का? हाँ, तो कैसा साउंड है इसका, आउटपुट वगैरह कैसा रहता है? ऐसे नहीं कह सकते कि आपको चेंज कराने की ज़रूरत है, मेरे को लाउड सुनने की आदत है, पर ये नहीं कहता कि मेरे को बेस ज़्यादा ही सुनना है, जो एक होते हैं ना बेस लवर की बिल्कुल दम दम आवाज आनी चाहिए। प्लस मारुति की गाड़ी है तो ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप बेस ट्यूब लगवा भी लो, मैं कहता हूँ नहीं लगवाओ, लगवा भी लो तो मारुति कहीं ना कहीं वो लगता है कि हाँ बजेगी, कोई भी गाड़ी हो वो उसके नट ढीले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेस ट्यूब लगवाने का तो कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन इसका बेस सफिशेंट है, ट्यूनिंग ठीक कर रखी है इन्होंने। तो ऐसा तो यार वो सुना जाता है कि जैसे आपने कहा मारुति गाड़ी बजेगी इस तरीके से। हाँ। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं कुछ कमी नजर आती है आपको कि मटेरियल वगैरह हल्का यूज़ किया हुआ इस गाड़ी के अंदर? इसके डोर मेरे को वैसे हैवी लगते हैं और मारुति की गाड़ी से, अदर जो गाड़ियाँ आती हैं लाइक ब्रेजा वगैरह से भी कंपेयर करें तो? हाँ, ब्रेजा में है एक अपने भाई के पास, उनकी गाड़ी मैंने यूज़ कर रखी है, उससे ज़्यादा हैवी लगती है। गाड़ियाँ रहती हैं मारुति की और भी, उनका ऐसे बोनट दबाते हैं ना ऐसे यूँ, उनका ऐसे दब जाता है, इसका नहीं दब रहा उस हिसाब का, नहीं है कि डेंट आ जाए एकदम मतलब। और तो खड़ी खड़ी गाड़ी मार बलिनों में मैं ऐसे खड़ा था गाड़ी के ऊपर ऐसे, इतने में देखा डेंट आ गया वो। इस मामले में गाड़ी अच्छी लगी। ठीक है, कुछ कमियों वगैरह की बात कर लेते हैं। एक तो आपने बताया कि रूफ लाइनर के अंदर आपको कमी लग जाती है, इसके अलावा और क्या कुछ कमी इसके अंदर आपने अब तक महसूस करी? इसके अलावा सच्चाई पूछो तो नहीं कमी कोई भी मेरे को, एवरेज ये दे रही है, पिकअप इसका अच्छा है, ड्रैग रेस मैंने इसके साथ करके देख ली है, 2-3 ड्रैग रेस करी है मैंने इसके साथ, ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा इसने, बहुत अच्छा। मतलब कि आपकी जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो आपको चाहिए था अपनी गाड़ी से, वो चीज़ें इस वाली कार ने पूरा तरीके से खड़ी उतरी है। अब ये स्टार्ट है और कोई बता नहीं सकता ये स्टार्ट है। ठीक है, बूट स्पेस वगैरह जो है वो कैसा रहा इस गाड़ी का? बूट हम 3 जनों का सामान आया है प्रॉपर, आप देख लो इसमें ये है कि हाँ ये जो चीज़ है इसमें जो ये दे रखी है ये थोड़ा अपलिफ्ट कर देता है इसका, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती कि हाँ भाई लंबाई में कम हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं आती कि हाँ कि सामान नहीं आता। हमारी 3 अटैच ही थी वो आराम से गई है इसमें, मतलब कि अगर आपके ज़्यादा सामान ना हो तो मैनेजेबल हो जाता है इसके अंदर। हाँ, 3 अटैच तो ज़्यादा सामान रहेगा तो फिर जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो लगेगी। पार्सल ट्रे भी ऐसी रही है कि पार्सल ट्रे हटाई नहीं है, अगर पार्सल ट्रे हटा दो तो ऊपर हमारे पास स्पेस जब भी बच रहा था। ठीक है जी, तो ओवरऑल आप जो है इस प्रोडक्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं? अगर आपसे आप देख लो सी एन जी आप कह रहे हो लेने की, ये एक बात आपने कही है, और सी एन जी में भी तो फिर बूट पीछे वो आ जाता है, वो बूट खत्म हो जाता है, इसमें बूट है तो सही। अच्छा, एक क्वेश्चन बैटरी के हिसाब से बहुत लोगों ने पूछा मुझसे भी जाना कि बैटरी चाहे माइल्ड हाइब्रिड की हो चाहे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, एक टाइम के बाद लगभग 8-8 साल की बताते हैं, 8 साल की दे रहे हैं वारंटी, उस 8 साल की वारंटी के बाद फिर उसका क्या होगा इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका तो उन्होंने अभी ऐसे कुछ बताया नहीं कि बैटरी कितने की कॉस्ट करेगी, जैसे अब ये चालू हुई है देखो। हाँ। अब जैसे बैटरी वीक पड़ी होगी तो ये अपने आप इंजन चालू करती है, और मैं कहता हूँ 1-1.5 सेकंड में इंजन बंद हो जाएगा अपने आप, मतलब बैटरी पे, फिर बैटरी पे स्विच हो जाएगी अपने आप, और 2-5-1 मिनट तक अपने आप रहेगी बैटरी पे, उस बीच में पेट्रोल कंजम्पशन बहुत कम हो गया ना। मतलब मेरा कहने का बेसिकली मतलब ये था कि बहुत से लोग जो बाय करने से पहले डाउट रखते हैं मन में कि 8 साल बाद इस बैटरी का क्या होगा, उस बारे में अभी तक ये बैटरी चेंज भी हो जाती है,
वो तो कॉस्टली पड़ेगी फिर। वो कॉस्टली पड़ेगी लेकिन ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, वो भी इंश्योरेंस तो होता है ये गाड़ी। और पहली बात कोई 8 साल गाड़ी चलाता भी नहीं है। 8 साल आप मतलब वो 8 साल बाद देखा जाएगा, 8 साल बाद ही देखा जाएगा। और हम सीधी सी बात है 5 साल बाद तो मन भी भर जाता है गाड़ी से, आप खुद ही सोच कर देखो। फिर तो हो जाएगा, फिर सीएनजी का तो ऐसे फटने का डर रहता है वो। हाँ, नहीं मतलब फिर तो बहुत सी बातें हो जाएंगी उसके अंदर। चलिए आपने कमियां वगैरह भी बता दी, इसकी एक कमी आपको मिली है और आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। लाइट का रिस्पांस पूछना चाहूंगा जो कि कैसा रहा आपका। हाँ, कई लोग कहते हैं लाइट की कमजोर है, मेरे को लाइट कमजोर नहीं लगी। भाई ने खुद पर्सनली ड्राइव करी रात को, मैंने भी करी ऐसे, भाई ने भी ड्राइव करी उस रोड ट्रिप पे जिसपे हम गए थे, हमें लाइट का एक सेकंड का भी नहीं लगा। ये करी लगातार नॉन स्टॉप, मैं 11:30 बजे ली थी गाड़ी। हाँ, और मैंने 11:30 से और वापस दिया इसको मैंने 7:00 बजे। मतलब के लाइट में कहीं कमी आपको नजर नहीं आई है? गाड़ी चलाने में भी, ऑल ओवर हर चीज में मैं कंफर्टेबल, हर चीज में चलाने में भी। अब देखो मैं 11:30 बजे बैठा हूँ, नॉन स्टॉप चलाइए कि मैं कहीं रुका हूँ ये नहीं है। उसके बाद मैं सीधा उज्जैन ही रुका हूँ, वो पोजीशन ऐसे कर रखी है ना। ठीक है, बम्पर के हिसाब से कहने का मतलब ये, अगर मैं पूछूं जैसे कि फॉगलाइट नहीं आती इस वाले कार के अंदर, तो फॉगलाइट की कमी महसूस होती है आपको? वो ऐसे तो महसूस नहीं होती क्योंकि हाँ नीचे दिख नहीं रहा। हाँ, नीचे प्रॉपर दिखता है, ऐसे नहीं कह सकते नीचे नहीं दिख रहा। तो ये जो हटा दी फॉगलाइट वो कहीं ना कहीं हो जाता है मैनेज? हाँ, मैनेज हो जाता है उस हिसाब से प्लेसमेंट कर रखी है ना, हमें अपलिफ्ट की आदत है थोड़ी। ठीक है, इसलिए तो हम कह रहे हैं थोड़ी नीची लगती है, नीचे लगती है। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। अगर आपको 1-10 में से रेट करना हो अब तक जितना भी आपने इस गाड़ी को चलाया, क्या नंबर देना चाहोगे? अगर मैं देखना चाहो तो 9 तो मैं इसे दूंगा। 9 दोगे? एक नंबर वो छोटी मोटी चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए। वो कचकच अब लगती है मेरे को कहीं ना कहीं, वो प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी बहुत तो हल्की आती है मारुति में शुरू से आती। तो मतलब वो पहले से आपने एक्सेप्ट कर रखा था कि ये इतना होगा? नहीं, मैंने एमजी एक्टर ओन कर रखी है। हाँ, ठीक है, मेरे को मॉरिस गैराज की अगर आप देखो ना, इससे ज्यादा हल्की है क्वालिटी मारुति, उससे बेटर है मारुति की। इसमें जो मैं कह रहा हूँ अपना जो गियर जो अपना वो होता है पूरा कंसोल होता है ये पूरा बना था, क्रेटा हो गया, उसको अगर आप दबा के देखो कचकच आवाज आती है, चरचर करते हैं। हाँ, चरचर जो आवाज है ना इसमें कम है, मार उससे उसके मुकाबले मॉरिस के मुकाबले बहुत कम है इसमें। तो मतलब फिर भी ठीक प्रोडक्ट मारुति ने जो है बनाया हुआ है, उससे तो बहुत 22 लाख रुपए मतलब आप इस पे खर्चा कर सकते हो आराम से, ऐसा कह सकते हैं। तो भाई भाई का भी एक चैनल है, भाई किस नाम से चैनल अपना ये बताइए? मेरा तुषार बजाज व्लॉग के नाम से। क्या क्या आता है उसके ऊपर, क्या देखने को मिलेगा? ट्रैवल व्लॉग्स है, गाड़ी से रिलेटेड अपने ट्रिप वगैरह हर महीने अपन मारते हैं। जैसे अभी उज्जैन गया, अब नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहा हूँ अपना माउंटेन्स की, जहाँ तो हिमाचल साइड या उत्तराखंड साइड, वो तो अभी देख रहे हैं। तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ग्रैंड टायर से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि भाई ट्रिप वगैरह लगाते रहते हैं तो आपको और अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने भी कोई भाई ने अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, अपना इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।